वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में ना अपनी चीजों को अपने आप से डिफाइन करना सीखो। मान लीजिए आप लोगों के लिए मैं बोलूँ कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, आप लोगों को वैसा करना चाहिए। मैं आप लोगों को बेसिकली एज ए स्टूडेंट जानता हूँ, पर लेकिन पर्सनली आप लोग क्या सोचते हैं वो मेरे तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। आप लोग पर्सनली लाइफ में अगर देखा जाए कितने डेडिकेटेड होकर अपना काम करते हैं, अपने शेड्यूल को कितने डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं, किस बात पर आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, किस बात पर आप लोगों को हंसी आती है, कौन सा ऐसा काम है जो आप लोग काफी लंबे समय तक कर पाते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसमें जरा सी देर में आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोग खाना पसंद है, कौन सी ऐसी चीजें जो है आप लोग खाना नहीं पसंद है, कहां कहां पर आप लोग घूमना पसंद करते हैं, कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, ये मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि आप लोग मेरे हिसाब से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो, क्या ये सही बात होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीके से कौन जानते हैं? वो है आप लोग खुद, अपने आप। तो आप लोग अपने आप को जब सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन प्लान कौन बना सकता है? वो है आप लोग खुद, क्योंकि आप लोग अपना नेचर जानते हैं। अगर आप लोग किसी और को बोलो कि मेरे लिए प्लान बना दो यार, और वो आप लोगों का नेचर जानता नहीं है, क्या वो प्लान आप लोग कभी फॉलो कर पाओगे प्रॉपर वे में? नहीं फॉलो कर पाओगे। कुछ दिन अगर जद्दोजहद कर भी लेना, इसके बाद में फिर आप लोग बोलोगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, और फिर आप लोग अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करने लगोगे कि यार हम तो ये काम कर ही नहीं पाते, हमसे तो ये काम होता ही नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें होती है, इसको बोलते हैं अनप्लान चीजों को लेकर चलना, प्रॉपर चीजों में स्ट्रेटजी न लगाना, प्रॉपर चीजों को ढंग से एनालाइज न करना, अपनी गलतियों से न सीखना, अपनी जिंदगी को बस जैसे चल रही है चलने देना। ये होती है जिंदगी जीने का सबसे वर्स्ट तरीका। तो अगर जिंदगी में अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अपने इस वर्स्ट तरीके को एक बेस्ट तरीके में बदलना, तो सबसे पहले अपने आप को समझिए। जो नेचर मैंने बोले है ना स्टार्टिंग में, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, उनको नोट डाउन कीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जो लंबे समय तक आप लोग कर पाते हैं और जिसमें आप लोगों को मजा भी आता है करते हुए। वही ऐसी चीजें होगी जो आप लोगों की जिंदगी का पर्पस डिफाइन करेगा, आप लोगों की जिंदगी में गोल सेट करेगा, और उसी काम को आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए और उसको आप लोग आराम आराम से और अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जिंदगी को आप लोग एक तरीके से सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अपनी लाइफ को अपने आप डिफाइन करो, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो कभी भी आप लोगों की अगर स्क्रिप्ट लिखेंगे वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी, और अगर लिख भी दी तो वो एक ऐसी लाइफ नहीं होगी जैसी आप लोग चाहते हैं। वो किसी और की स्क्रिप्ट है जिसने कभी किसी और के लिए फिर अपने लिए सोची होगी, कैसे वो आप लोगों के मतलब जिंदगी में सेट बैठ सकती है, कैसे किसी और का कपड़ा, किसी और का जूता आप लोगों के पैर में फिट हो सकता है? हो सकता है कभी कभी हाँ हो जाए, पर लेकिन ये वो जूता नहीं होगा जो आप लोगों को चाहिए था। ये सही है कि चलो पैर में फिट हो रहा है, चलो चल रहा है काम, पर लेकिन रियलिटी में क्या यही जूता चाहिए था आप लोगों को, यही कपड़े चाहिए था आप लोगों को? तो ये आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने से कभी भी डरो मत, खासकर उस काम के लिए जिस काम को करने में आप लोगों का मजा आता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देने की, और ये उन लोगों ने हमेशा किया है जो आज के डेट में टॉप पोजिशन पर है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी और अंदर तक गई होगी। अगर हाँ तो इसको जिंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है यार, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक एक पॉइंट जो है वो मैं काफी क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं, जिसको आप लोग जिंदगी में अंडरस्टैंड कर पाएंगे काफी अच्छे से। तो ध्यान से आप लोगों को लेक्चर सुनना है, वो भी टकटकी लगाकर, ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में बिल्कुल अच्छा हो जाए और आप लोग उसको अच्छे से याद रख सको। वीडियो के एंड में चीजों को एक बार रिकॉल करने की कोशिश जरूर करना, लंबे समय तक चीजें आप लोग याद रख पाओगी। और कैसा रहा आज का दिन ये जरूर बताया करो यार, उससे मुझे काफी अच्छा लगता है कि हाँ आज का दिन ऐसा रहा, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों ने उसको एंजॉय किया है। इससे मुझे भी आइडिया लगता है कि हाँ आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और मैं आप लोगों से और अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ। मतलब ये एक तरीका है, यही तो एक तरीका है जिससे आप लोगों को जान पाता हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंट के थ्रू आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं, इसी के साथ में वीडियो को लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक हो जाता है कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो ये आप लोगों का मेरे तक पहुंचने का तरीका है, तो इससे मुझे आइडिया लगता रहता है कि आप लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके की चीजें आप लोगों को पसंद है, ठीक है। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा। हर एक आर्टिकल के बाद में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, और इसके बाद में फिर काफी सारी चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। करंट और स्टैटिक पोर्शन का एक मिक्सचर रहेगा, ठीक है। तो काफी अच्छे से काफी सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे। और कल यार पता नहीं एक छोटा सा इश्यू हो गया, पता नहीं वीडियो में लास्ट वाला पोर्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और एक दिन और हुआ था ये इशू, मतलब मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ एग्जैक्टली। मतलब वो पोर्शन कट गया जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था, मतलब दो आर्टिकल थे वहां पर, हालांकि आज मैं कवर कर लूंगा, टेंशन मत लेना उनको, पर लेकिन ये बड़ी ही डिफरेंट सी चीज हुई है, पता नहीं कैसे हुई, मतलब अजीब सी चीज है, रिपीट कैसे हो गया, मतलब वो वाला पोर्शन, अब मतलब ये मेरी समझ में नहीं आया, रियलिटी में कह रहा हूं, मतलब क्या हो गया, ये एक अजीब सी चीज थी।
ये पहले भी शायद हुआ है शायद किसी वीडियो के अंदर में, तो ये बड़ा ही अजीब सा था। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे हो गया, बल्कि एक बच्चे ने मुझे भेजा लिख के और कई सारे बच्चों ने मेल भी किए। मैंने कहा यार ये कैसे है, चलिए जो भी है मतलब देखते हैं क्या चीज़ें थी जो भी है। ठीक है, तो आर्टिकल काफ़ी शानदार रहेगा, ये काफ़ी अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये बात करें हाथी के बारे में, हाथी मेरा साथी मूवी देखी आप लोगों ने, किस किसी ने देखी? चलिए नहीं देखी है तो आज दिखाता हूँ। अब पूरे 1 घंटा आप लोगों की मूवी चलने वाली है, ठीक है, तो इसलिए अपना अच्छे से उन्हें कहते हैं बिल्कुल माहौल बनाकर बैठ जाइए। मूवी वूवी मत देखो, पढ़ लो ठीक है, पेपर आ रहा है पास में। काफी शानदार ये आर्टिकल रहेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए है? पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे देश में एक कमेटी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसके द्वारा कुछ बातें बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बातें क्या है? वो बातें ये कि यार देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश में ना हाथी जो है काफी ज्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं और उनको बेसिकली बंधन में बांध कर रखा जाता है, ठीक है। तो उसने इसके चलते यहाँ पर हाथियों की जिंदगी को थोड़ा सा सुगम बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की है, ताकि इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, कि ऐसी चीजों को प्रोत्साहित न किया जा सके जिसमें हाथियों को बांध के रखा जाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो आजाद रहना चाहता है। आप लोगों को खुद बोलो कि एक कमरे में आप लोगों को रहना है 8-10 दिन तक, देखो क्या आप लोगों ने COVID-19 के टाइम में फील किए, तो जो ऐसे लोग हैं जिनको बाहर घूमना काफी ज्यादा पसंद है वो तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि आराम से एंजॉय करते हैं वो एंजॉय कर रहे थे, उनकी जिंदगी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉकडाउन से यार है नहीं है कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घूमना पसंद नहीं है, मतलब घूमना पसंद है पर हाँ कुछ चीजें देखना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही मार्केट में चले गए चलो घुमाते, वो वाला नहीं, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड प्लेसेस पे जाना, जैसे चलो यार कुतुब मीनार देखाते हैं, ताजमहल देखाते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा टेम्पल देखाते हैं, कोई भी एक लोकेशन देख पाते हैं, ठीक है, चलो आज गुरुद्वारा में चलो चलते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस तरीके से कि जिनको हाँ अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें और मन को शांति दे, वो वाली चीजें। तो ऐसे ही जीव जंतु होते हैं यार, उनको भी अपनी जिंदगी जीनी होती है, उनके भी अपने जीने के तरीके होते हैं, तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिकमेंडेशन आई है। और बोला ये गया है यहाँ पर अभी एक नया बिल लाया जा रहा है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल बोया गया है 2021 का। तो ये जो है बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को बोला गया है कि इसके अंदर से कॉन्ट्रोवर्सियल जो क्लोज है उसको हटाया जाए, यानी ये पार्लियामेंट्री जो पैनल है वो बोलता है कि जो भी इश्यूज हैं यहाँ पर इस बिल के अंदर में उनको हटाया जाए और इसके चलते चीजों को थोड़ा सुधारा जाए। तो इसके चलते आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि स्टेटिक पोर्शन भी आप लोगों के सामने आएगा निकलकर। सबसे पहले अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, तो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये इंक्रीज कर रहा है जो कि एक तरीके से स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ या फिर कानून के तहत जो स्पीसीज प्रोटेक्ट की जाती है तो उनकी संख्या को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि और ज्यादा ऐसी स्पीसीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे आज आज के में हम लोग की हरकतें चल रही हैं उन हरकतों को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर पाएंगे, ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो बिल जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहां पर आज की डेट में इंप्लीमेंट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट एक एक तरीका एक आप लोगों को यहां पर ये कन्वेंशन देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ये तो हजारों बार पढ़ा चुका हूं, जिसको बोलते हैं CITES, फुल फॉर्म में ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। बात की जा रही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कि इंडेंजर्ड में है यानी कि जिनके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, उसमें यहां पर वाइल्ड लाइफ फ्यूना और जो फ्लोरा दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके ये बेसिकली क्या काम करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ फोना और फ्लोरा, ये क्या होता है, फ्योना होता है बेसिकली जो होते हैं आज के डेट में जीव जंतु, ठीक है, और फ्लोरा होता है पेड़ पौधे। तो यहां पर इनमें वे जीव जंतु वे पेड़ पौधे जो कि इंडेंजर की कैटेगरी में है उनको आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकि उनकी जिंदगी जो है और दर से दरबत्तर न हो। तो ये इसका बेसिक फंडा है, यानी कि कानून में और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है इस तरीके जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए। जब भी कोई ऐसा चेंज होता है उसके बारे में अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप लोग करंट जो भी सोसाइटी में डेवलपमेंट या फिर चेंजेस हो रहे हैं उससे कितना ज्यादा अवेयर हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोग जिंदगी को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें एक्ट जो है उसके चलते तो 6th शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्ट जो यहां पर प्लांट्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो 6th शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये जो 6th शेड्यूल है इसमें अगर बात करें ये स्पेशली प्रोटेक्ट प्लांट के बारे में बात करें यहां पर इसमें आप लोगों को 1 देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के बारे में 1-4 शेड्यूल देखने को मिलेंगे, वर्मिन स्पीसीज के बारे में 1 देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल मिलाकर यहां पर 6 शेड्यूल है जिसमें स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट 1, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल 4 और वर्मिन स्पीसीज 1, यानी कि टोटल 6 हो गए। अभी तो पता है प्लांट के बारे में बात की जा रही है, पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल के बारे में बात की जा रही है, जीव जंतु के बारे में, तो 1
पेड़ पौधों के बारे में, चार जीव जंतु के बारे में। एक लिखा गया वर्मिन स्पीसीज। अब ये क्या होती है, इसको बोलते हैं वर्मिन, होता है बेसिकली कुछ ऐसे एनिमल जो कि बेसिकली डिजीज कैरी करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से बीमारी फैलती है और जो खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनके लिए भी यहां पर एक पर्टिकुलर शेड्यूल यहां पर दे रखा है। तो अब तक ये जो 6 शेड्यूल थे इनको अभी चेंज करके टोटल 4 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजें इधर उधर फैली पड़ी थी उनको समेटने की कोशिश की जा रही है इस कानून के थ्रू। तो उसमें ये क्या करने वाले हैं, उसमें काफी इंपोर्टेंट चीज करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ जो शेड्यूल है, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेड्यूल है खासकर किसके लिए, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए 4 से घटाकर उनको 2 किया जाएगा, ठीक है, 4 से घटाकर इनको 2 कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक तरीके से जो 4 थे पहले 2 कर दिया, और 1 फॉर द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का लेवल है, एक उस लेवल पर चीजों को रखा जाएगा ताकि दिक्कतें देखने को मिल रही जिन एनिमल को उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। रिमूव किया जाएगा जो यहां पर वर्मिन स्पीसीज के लिए जो अलग से शेड्यूल दे रखा था, इसको यहां पर रिमूव किया जाएगा और इंसर्ट किया जाएगा एक नया शेड्यूल फॉर द जो स्पेसिमेन लिस्टेड अपेंडिक्स अंडर द CITES के जो यहां पर इसके अंदर लिस्टेड है उसके लिए अलग से एक शेड्यूल बनाया जाएगा। अब आप लोग ये समझिए, 4 में से यहां पर इन्होंने कम कर दिए 2, यानी कि 2 तो ये रह गए, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर जो एक वर्मिन वाला था वो यहां पर हटा दिया, ठीक है। इसी के साथ में इंसर्ट किया एक नया शेड्यूल जो कि यहां पर जो ऑलरेडी CITES के शेड्यूल में रखा हुआ है, ठीक है, उसका एक शेड्यूल यहां पर इन्होंने ऐड कर दिया, और एक शेड्यूल ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एनिमल का, यहां प्रोटेक्टेड प्लांट का यार ऑलरेडी है यहां पर। तो टोटल मिलाकर अब 4 शेड्यूल आप लोगों के सामने हो जाएंगे, जो टोटल 6 शेड्यूल थे वो हमारी कंट्री में चेंज किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के थ्रू, जो कि 2021 का लेकर यहां पर आया जा रहा है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, आगे चलता हूं, एक एक माइंड में बातें क्लियर रखे चल रहे, समझ में ना आए तो वहां पर आप लोगों को बताना है कि सर ये बात समझ में नहीं आई है। कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती हैं, पर लेकिन बर्डन नहीं बनाना है, आराम से समझने की कोशिश कीजिए तो बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन चीजों को रटना, ठीक है। तो रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन में नहीं जाना है, अंडरस्टैंड करना है ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन जो लाई गई है इसके अंदर में CITES के, इनको 2 तरीके से देखा जाएगा। एक तो यहां पर जो बिल है वो बोलता है कि भाई साहब मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा पेड़ पौधा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कौन सा जीव जंतु इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इनके खरीदा और बेचा जा रहा है, उसके लिए एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि ग्रांट करे, यानी कि परमिशन दे कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो और तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये देखती रहेगी, अगर कोई ऊपर बैठी रहेगी इस तरीके की अथॉरिटी, इस तरह का कोई आदमी बैठ रहेगा भाई ऐसा नहीं करना है वरना लटका दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर चीजें सही चलती है। अब साइंटिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए जो एडवाइस दे, अगर ऐसा करोगे तो ये इंपैक्ट पड़ेगा और वैसा करोगे तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ सुबह को टाइम पे उठो, पूरा दिन अच्छा चलेगा और जिंदगी अच्छी रहेगी, जीने मजा आएगा, पर लेकिन अगर सुबह को लेट हो गई तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं शाम को पढ़ने मजा आता है, जिसको शाम को पढ़ने मजा आता है वो अपना शेड्यूल उस तरीके से बना लीजिए, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, जब कोई एग्जाम देने आप लोग जाते हो तो मॉर्निंग में उठ के आप लोग जाते हो, ठीक है, तो मॉर्निंग में एग्जाम रहता है मैक्सिमम टाइम, अगर बात करें यूपीएससी के बारे में, अगर मैं बात करूँ या फिर स्टेट पीसीएस के, तो आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल इसे रखना चाहिए ताकि अगर कल को जल्दी मॉर्निंग में उठ के कहीं जाना है एग्जाम भी हो तो आप लोग उसको मैनेज कर सको, तो भी ये बेसिक पर्पज रहता है। वरना कोई ऐसा सुबह सुबह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप लोगों की जिंदगी में चेंज होने वाला है। अगर किसी भी टाइम आप लोग मजे कर रहे हैं, बहुत सारे रात्रिचर प्राणी होते हैं, तो अगर वो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, बात की जा रही है यहां पर इन्वेसिव एलियन जो स्पीसीज के बारे में, यानी कि जो ऐसी स्पीसीज जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक तरीके से एलियन है, एलियन मतलब जो वहां की नहीं है, जैसे जादू आप लोगों ने देखा ना ऋतिक रोशन वाली मूवी, ठीक है, कोई मिल गया जादू, ठीक है, तो वो क्या होता है बेसिकली बाहर का प्राणी आ गया, तो ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करें, प्रोहिबिट करें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज नहीं है वहां की, वहां पर उसको लेकर आना। उससे क्या होता है कई बार दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी थी जो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई थी, एक इंसान के अंदर में सुअर का हार्ट जो था वो ट्रांसप्लांट कर दिया, पर लेकिन इसके चलते वो बेचारा सुअर तो गया, पिक तो मारा गया, वो इंसान भी मारा गया, वो सेट ही नहीं बैठा उसमें, और ये पहले भी ट्राई कई बार किया जा चुके हैं, तो ये क्या हो गया, वो एक अलग चीज अलग एरिया में लाई जा रही है। इसी तरीके से जब बाहर की स्पीसीज किसी एरिया में लाते हैं, हो सकता है वो ठंडे इलाके की हो, गर्म इलाके में आ गई, खाना पीना वहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और है, यहां पर पीने का टेस्ट चेंज हो गया, पानी उसके लिए जो खाना पीना चाहिए था बेसिकली जीव जंतु जो वहां पर थे उसका चेंज हो गया, तो वो आने वाले एरिया में दूसरे एरिया पर इंपैक्ट डाल सकती है, पता चला वो वहां की स्पीसीज को ही निपटा गई, ठीक है, पता चला वहां किसी को ग्रो ही नहीं होने दे रही है। तो इस तरीके से प्लांट भी हो सकता है और कई बार यहां पर एनिमल भी हो सकते हैं जो कि नेटिव नहीं है, नेटिव नहीं मतलब लोकल नहीं है वहां के, ठीक है, तो उनको लाए तो यहां पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है जो यहां पर वाइल्ड लाइफ पर भी और उसके हैबिटेट इनके रहने की जगह पर भी। जैसे कि
समुद्र के अंदर में आप लोगों ने जलकुंभी देखी होगी भाई साहब, पूरे एरिया में फैल जाती है जरा सी देर में, ठीक है। अब कर लो उनका क्या करना है, कुछ कर पाओगे उनका, मतलब ऐसी तैसी कर देती है पूरे उसके जोड़ की। अगर आप लोगों ने तालाब वाला जोड़ वगैरह देखे ना अपने लोकल एरिया में, पूरा एक तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि यहाँ के जो है बेसिकली मालिक हम है, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो समझना पड़ेगा। कंट्रोल करना है जो भी सेंचुरीज हैं, जैसे कि एक्ट करेगा यहां पर एक तरीके से कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है वो कंट्रोल करे, मैनेज करे, मेंटेन करे ऑल द सेंचुरीज। इसी के साथ में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो अपॉइंट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऊपर वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए बोला है और नीचे वाले में स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए बोला है। सबका साथ सबका विकास, सब साथ में लेकर चलेंगे जब ही चीजें सुधर पाएंगी। अगर सब काम नहीं करेंगे सिंक्रोनस वे में तो फिर दिक्कत निकल कर आएगी। तो ये कई सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट और प्यारी प्यारी बातें बोलेगी यहाँ पर। ये जो एक्ट है ये बोलता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क है या फिर कोई सेंचुरी है, उसके आसपास के एरिया को भी ये कंजर्व रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि बचाया जा सके यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे फूल पत्ती पशु पक्षी है उनको, और उनके रहने की जगह को बर्बाद ना करें। वहां पर पता चला कोई खनन कर रहा है, कोई यहाँ पर रोड बना के चला गया, कोई कुछ और बना रहा है, तो उस चीजों से भी यहाँ पर उनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल जो है वो इम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि वो नोटिफाई कर सके कंजर्वेशन रिजर्व कि कौन सा ऐसा यहाँ पर एरिया है जिसको कंजर्व रिजर्व बना सकते हैं यहाँ पर, ताकि चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिए ये पावर नहीं, ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको पशु पक्षी जो है वो पालने पसंद है, ठीक है, एक तरीके से कुछ पशु हैं या फिर एनिमल है और उनको बांध के रखा हुआ है, जबकि वो जंगली चीजें हैं उनको जंगल में रहना चाहिए, तो यहां पर ये सरेंडर करना होगा। कैप्टिव जो एनिमल है अगर किसी ने रख रखे हैं तो बिल बोलता है यहां पर कि चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है, ठीक है, तो उसके सामने आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको वॉलेंट्री उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर वो जंगली प्राणी है आप लोगों के सौंक अपनी जगह हो सकते हैं, पर लेकिन उनकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखने का आप लोगों का कोई हक नहीं है, ये बातें बोल रही है। पेनल्टी भी लगेगा यहां पर, अगर बात करें तो पेनल्टी लगाई जाएगी, इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो। तो ये कई सारे प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, जो बातें पढ़ाई हैं अब तक वही हैं जो अभी मैंने CITS के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है ऐसी जो कि वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है, पेड़ पौधे और फूल पत्तियां हैं, उनको आप लोगों को बेसिकली यहां पर प्रोटेक्ट करने रखना है। और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जो कि ये इंश्योर करते हैं, इंश्योर मतलब ये एक तरीके से ऐसा प्रक्रिया बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इन लोगों की जिनकी लाइफ थ्रेटन है, जिनकी लाइफ जो है वो दिक्कत में चल रही है, उनको बचाया जा सके, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लांट्स एनिमल जो भी पेड़ पौधे फूल पत्तियां हैं उनको तीन कैटेगरी में ये डिफाइन करते थे और उसी के चलते यहां पर ये लोग उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये चीजों को आज के डेट में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिस्टम आप लोग याद रखिएगा जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये MIKE, तो माइक प्रोग्राम आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों इसके बारे में याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये जो चलाया गया था यहां पर कि इलीगल तरीके से हाथियों को मारा जाता है, क्योंकि हाथी ये बोलते हैं कि जिंदा अगर 1 लाख का है तो मरा हुआ 3 लाख का है, तो ये बातें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो यहां पर कन्वेंशन ऑन जो इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया माइक प्रोग्राम ताकि हाथियों की जो इलीगल किलिंग हो रही है उसको रोका जा सके। तो यहां पर कई सारी साइट जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि ये साइट जो है वो माइक साइट है, अगर यहां पर कोई हरकतें करेगा तो फिर उसको देखा जाएगा, उसको जो है हम अपने आप देख लेंगे। तो इस तरीके क्या साइट इंडिया के अंदर में है, जी हाँ बिल्कुल है। कौन कौन सी है पता होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में अगर कोई है यहां पर तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये हो गया चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, दियांग पटकई एलिफेंट रिजर्व, ये है यहां पर ईस्टर्न डोरस एलिफेंट रिजर्व, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे रिजर्व। इसी के साथ में देवमेल एलिफेंट रिजर्व, गारो हिली जो एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है, मयूरभंज जो बेसिकली एलिफेंट रिजर्व हो गया, इसी के साथ में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व हो गया, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व और वेनाड एलिफेंट रिजर्व। अब आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इतनी सारी मेहनत आप लोग मेरे से कराते हो तो कुछ मेहनत आपकी भी है। किस किस राज्य में ये सारे रिजर्व पाए जाते हैं आप लोगों को उसके सामने नाम लिखने हैं, 10 के 10 के नाम आप लोगों को लिखने हैं, तो देखता हूं कौन कौन सही लिखता है, ठीक है, जो सही लिखेगा उसको मेरी तरफ से क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, अरे हाँ क्या चाहिए, चलो फिर बाद में बात करूंगा, अभी यहां पर आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, अच्छे से यहां पर इसको बताइए। बाकी हाथी मेरे साथी के बारे में बात की जा रही है, हाथी मेरे साथी जो है वो एक कंपेन है जो कि लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री है आप लोग बताइए, कौन है इसके मिनिस्टर आज के डेट में,
और ये जो है बेसिकली पार्टनरशिप में काम करती है WTI यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इसके साथ में काम करती है। तो कंपेन जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया एलिफेंट एट, तो यहां पर ये बेसिकली लॉन्च किया गया कि किस तरीके से जो मिनिस्ट्रीज हैं यहां पर दिल्ली के अंदर में ये बेसिकली काम करेंगे 2011 में। E8 भी इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 कंट्री है, अकेला हमारा देश नहीं है। जैसे इंडिया हो गया, बोट्सवाना हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड, तो ये इस तरीके से आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी। तो E8 अगर आप लोगों से कोई डायरेक्ट पूछ ले क्या है, तो आप लोग बोलोगे इंजीनियर ग्रेड, तो ऐसा नहीं है। E8 यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ कंट्री हैं आप लोगों के सामने अगर आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये कई सारे एरिया आप लोगों के सामने हैं, जैसे कि यहां पर कुछ नाम भी आप लोगों के सामने कहां कहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, जिसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन न हो। अभी कई सारी बातें मैं आप लोगों को और बताऊंगा जिससे आप लोग चीजें समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हाथियों को प्रोटेक्ट करना, तो उसके लिए आप लोगों को कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे। कॉरिडोर मतलब क्या होता है, जैसे इस जंगल में अगर कोई हाथी रहता है उसको इस जंगल में लेकर जाना है तो यहां पर आसानी से वो जा सके, क्यों? क्योंकि बीच में से आप लोगों ने अपना रोड निकाल दिया है, तो रोड निकाल दिया आप लोगों ने, ट्रेन का रास्ता निकाल दिया, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन काम कर दिया, वायर लगा दिए, तो उनके आने जाने का रास्ता नहीं है, तो उनको कोई रास्ता तो दो मेरे दोस्त, ताकि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके। पता चला जब आप लोग रोड बना रहे हो उधर यहां पर बच्चा है, माँ इधर रहती है, ठीक है, बाप इधर रहता है, माँ इधर रहती है, ठीक है, तो उनको मिलने का मौका दो ताकि वो मिल सके, वरना क्या करेंगे, रोड पे से होते हुए आएंगे, रोड पे आप लोगों की ट्रेन चलेंगी, रोड पे आप लोगों के ट्रक चढ़ेंगे, वे फिर बेचारे हाथियों को मारेंगे। तो ये जरूरी है कि ऐसा कोई कॉरिडोर बनाया जाए, इसलिए हमारे देश में कई सारे एलिफेंट कॉरिडोर है जो कि यहां पर ये कोशिश करते हैं कि चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। एलिफेंट की जो बेसिकली एक तरीके से सर्वाइवल और बर्थ रेट जो है वो इससे बढ़ता है, क्यों? क्योंकि मिल पाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो टोटल मिला के 88 यानी कि 88 एलिफेंट कॉरिडोर आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग तो अपने घर जाते हैं भाग भाग करके, हाँ, अपने माँ बाप से, घर वालों से मिलना है, पर लेकिन रियलिटी में जानवरों के बारे में हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो 20 साउथ में है, 12 नॉर्थ वेस्ट में, 20 सेंट्रल इंडिया में है, 14 वेस्ट बंगाल के अंदर में, और 12 के करीब यहाँ पर ये आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों से ये पूछ ले सबसे ज्यादा कॉरिडोर कहां पर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा दें, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं, बने नहीं है, पर लेकिन एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि यहां से, तो इस तरीके से आप लोग समझ के चलिएगा। तो कॉरिडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर कहीं से आप लोग रास्ता निकालते हैं उनको कनेक्ट करने का, ठीक है। अभी कुछ और बातें, टाइगर जब एक्सटेंट फेस कर रहे थे तो हम लोगों ने उसके लिए बेसिकली एक प्रोजेक्ट लेकर आए, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे ही एलिफेंट की थ्रेटन को रोकने के लिए हम लोगों ने यहां पर, हम लोग क्या लेकर आए यहां पर, एलिफेंट प्रोजेक्ट लेकर आए। यहां पर दो शब्द आप लोग यहां पर देखिए, एक लिखा हुआ है यहां पर, एक लिखा यहां पर एक्सटेंशन, यानी कि एक तरीके से वो एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्यों था, टाइगर एक्सटेंट होने की कैटेगरी पर आ गए, पर यहां पर एट्रिएशन मतलब क्या, इनकी दुर्घटना होने के खतरे ज्यादा हैं, यानी कि हाथी के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, खत्म तो नहीं हो रहे हैं पर लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, कहीं ट्रेन से, कहीं गाड़ी से, कहीं एक तरीके से बिजली के खंभों से लड़ गए, बिजली के तार से लड़ गए, तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एलिफेंट नंबर जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली, पर लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा प्रेशर बना हुआ है एलिफेंट के हैबिटेट पर जहां पर ये रहते हैं, कि आने वाले टाइम में इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा घट सकती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया 1992 में, और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी कि इनकी रहने की जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ में जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बेसिकली रोका जा सके, और यहां पर इनके लिए वेलफेयर की स्कीम चलाई जा सके ताकि इनकी संख्या को हम लोग इंक्रीज कर सके। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एलिफेंट जो सेंसस है ये एक साल, ये हर साल मतलब 5 साल में हर एक साल आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 in 5 ईयर अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाथी अगर बोला जाए, दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आसाम में, और तीसरे नंबर पर केरला के अंदर में। अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूं यहां पर, कर्नाटका, केरला और आसाम, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। जैसे कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को आसाम में देखने को मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर यहां पर केरला में देखने को मिलेंगे। तो हाथी का ये क्या बन गया, ये बेसिकली हाथी का दांत बन गया, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। ऐसे आसाम, बेसिक कर्नाटका, आसाम और केरला, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, कल को अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछता है तो, ठीक है। एलिफेंट जो है वो एक तरीके से बात करें यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी आप लोगों को लगेगा यहां पर सुनने में। अगर कोई इंसान जो है वो एक बच्चे को जन्म देता है, इंसान यानी कि एक वुमेन एक बच्चे को जन्म देती है, तो 9 महीने अपने पेट में रखती है, तो वो साइकिल जो है 9 महीने की होती है। ये साइकिल जो है अगर एलिफेंट के अंदर आप लोग बात करेंगे तो ये जो पीरियड होता है, गर्भ अवधि का जो पीरियड होता है यहां पर, वो आप लोगों को यहां पर 22 महीने का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फीमेल जो है बर्थ देती है एवरी 4 to 5 ईयर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये काफी एक लंबा ड्यूरेशन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। अगर बात करें इनकी जो ट्रंक होती है उसके अंदर में लगभग 40,000 के करीब मसल्स होती हैं।
अगर बात करें हमारी जो ह्यूमन के अंदर में अगर बात करें तो 600 के करीब मसल्स होते हैं एंटायर बॉडी के अंदर में। तो यहां से आप लोग इनकी विशालकाय शरीर के बारे में पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव आज के में कोई है अगर माना जाए तो आप लोगों को हाथी देखने को मिलेगा। तो इसकी विशालकाय शरीर के बेस पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एशियन एलिफेंट जो है और अफ्रीकन एलिफेंट दो कैटेगरी में नॉर्मली इनको डिवाइड किया जाता है। एशियन जो है ये इसकी 3 जो यहां पर सब स्पीसीज भी देखने को मिलती है, इंडियन, सुमित्रा और श्रीलंका, यानी कि जो इंडिया इंडियन एरिया में पाए जाते हैं, सुमित्रा आइलैंड इंडोनेशिया में और जो श्रीलंका में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एशियन जो कैटेगरी यहां पर आप लोगों के सामने IUCN में इंडेंजरी कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का इसमें शेड्यूल 1 में है और CITS में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है। एशियन को जो है यहां पर 2 स्पेसिस जो अफ्रीकन और जो इसी के साथ में सवाना है, ठीक है, एलिफेंट और इसी के साथ में फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया, यानी कि दोनों की लिस्ट भी अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है यहां पर, अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की मैंने, यहां पर कौन सा है, ये है बेसिकली 1972 और यहां पर अभी ये निकल कर आ रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये 2021, तो इसके चलते यहां पर चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, अभी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी एक एक कर कॉरिडोर के बारे में ये सारी चीजें, तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन मत रखना, सारी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर समझा दी। तो पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। माइक के बारे में बता दिया, कौन कौन सी माइक साइट है, हाथी मेरे साथी प्रोग्राम के बारे में बता दिया, कुछ मैप और यहां पर एक तरीके से एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, एलिफेंट के बारे में कुछ और चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जान ली, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, बोला गया है लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला गया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरा बोला गया है एलिफेंट सेंसस जो है वो हर 4 साल में यहां पर बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि आप लोग यहां पर बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD, ये आप लोगों को यहां पर बताना है जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपना आप खुद से, फिर आंसर देखिएगा ताकि लंबे समय तक याद रख सकें। सही आंसर क्या है, वो है ए। कैसे, अभी मैंने आप लोगों को बताया यहां पर एलिफेंट सेंसस जो है वो 1 in 5 years आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहां पर निकल कर आता है और यहां पर क्या बोला है 4 years यहां पर बोला गया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है कि कौन सा यहां पर हमारी कंट्री में जो स्टेट है जो MIKE साइट्स के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे ABCFD, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो यहां पर ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 2 4 और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर यहां पर अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर देखना, आंसर यहां पर सी सही, यानी कि 1 2 1 2 एंड 4, ठीक है, तो 1 2 एंड 4 मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, अलग अलग जो राज्य हमारे देश में वो दिखाए गए यहां पर, और ये इसीलिए मैंने बोला था इनके राज्य आप लोग जाकर देखेगा जो माइक साइट जहां जहां पर पाई जाती हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज यही था, ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी मेरा साथी कंपेन जो है वो लॉन्च किया था कौन से ईयर में, 2008, 2009, 2010 या फिर 2011, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री का ये कंपेन है जो कि हमारे देश में लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहां पर डी, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है यहां पर, और इसको 2011 में बेसिकली लॉन्च किया गया और E8 जो इनिशिएटिव है वो यहां पर इसी से रिलेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो कि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोगों ने चीजें डिस्कस की, जहां भी जो भी कंफ्यूजन हो वो देखेगा क्योंकि एक ही आर्टिकल के अंदर कई सारे आर्टिकल आप लोगों के हो जाते हैं, स्कीम वगैरह भी कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कम से कम छूटे ना, जो पढ़ लिया कम से कम उससे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, आप लोग यहां पर इसको देख पाएंगे और कई सारी ऐसी न्यूज है जो कई बार न्यूज में आती है, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसके बारे में, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा, और अभी यहां पर ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आ गया है वो भी हम लोग समझेंगे। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है यहां पर बेसिकली वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की, ठीक है। तो यहां पर जो ये यहां पर वोल्दिमिर जो ज़ेलेंस्की साहब हैं इनके द्वारा अभी यूएसए के प्रेसिडेंट को बोला कि देख यार बाइडन एक काम कर दे तू मेरे लिए। बाइडन ने बोला बोलो क्या काम करना है, वैसे तो मैं तुम्हारे कोई काम आया नहीं हूं अब तक ढंग से, पर लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। उसने बोला क्या कि यार तू और तो कुछ कर मत, चाहे मेरे लिए बस ये कर दे कि रशिया के जो बेसिकली कंट्री है या फिर रशिया का जो बेसिकली एरिया है
उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाल दें। तो ये बोला जो बाइडन की, अच्छा ऐसा कुछ करना है तो इसके बारे में बेसिकली सोचता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सोचे या ना सोचे पर लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में और कई बार न्यूज में रहते हैं, तो बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाइडन जो है, बाइडन ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक एक्शन तो नहीं लिया और ना ही उसने कोई वादा किया क्योंकि बाइडन जो है वादा फ्रामोस है। तो यहां पर वो बेसिकली सोच रहा है कि क्या क्या और एरिया उनको एक्सप्लोर किया जा सके ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। यही तो जेलेंस्की सोच रहा है और यही सोच रहा है बेसिकली आज के में बाइडन। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहां पर मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, तो ऐसा है कि ऐसी न्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं टेररिज्म डेजिग्नेशन के बारे में कि टेररिज्म को डेजिग्नेशन करना यानी कि किसी के इंसान के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर ये बोल देना कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला इंसान है, टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश है। तो स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है, किसको सपोर्ट करना। जब भी स्पॉन्सर्ड के बारे में आप लोगों को समझना हुआ करें तो आप लोगों ने सुल्तान मूवी देखी है। सुल्तान मूवी किसकी थी, सुल्तान मूवी थी सलमान खान की। उसमें जब वो स्टार्टिंग में फर्स्ट अपनी रेसलिंग लड़ने जाता है मुक्केबाजी वाली, तो उसमें उसका दोस्त कुकर बेचता है, ठीक है। तो उसका कुकर को स्पॉन्सर मिलता है कि हाँ चल मुझे तो स्पॉन्सर कर दे, यानी कि मुझे जो है वो सपोर्ट कर दे, एक तरीके से होता है कि पैसा लगा दे, काइंड ऑफ चीजें रहती है, ठीक है। तो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यहां पर, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं मिनिस्ट्री प्राइमरी इंचार्ज रहते हैं उनके फॉरेन रिलेशन की, तो उनके हाथ में ये पावर रहती है यहां पर कि किसी स्टेट को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आप लोगों को काट्सा के बारे में बताया। तो काट्सा एक ऐसा अमेरिका का एक्ट है जो कि अमेरिका किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो लगा सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल कानून है वो, पर हाँ ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है। आप लोगों को समझने के लिए आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, मान लीजिए मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और आप लोग उसको बोलो कि ये काम करना है, ठीक है, तो वो इंसान क्या होगा बेसिकली, मैं मोहल्ले में एक तरीके से उसने कुछ गलत काम कर दिया तो कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा। पर लेकिन अगर कोई ऐसा हो, कोई नहीं, एक तरीके से बेचारा बहुत ही दुबला पतला सा इंसान है, तो उसको जाकर कोई पीटने लग जाएगा, वो जरा से भी कुछ कर दे, तो हमेशा कमजोर इंसान के ऊपर दादागिरी दिखाते हैं और ताकतवर इंसान जो है हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं कि वो अपनी दादागिरी चलाते हैं। तो ये यूएसए इसी तरीके से एक तरीके से ग्लोबल पुलिस का काम करता है कि मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मैं दुनिया को देखूंगा, ठीक है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अगर बात करें यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट वेबसाइट, तो यूएसए जो है वो प्लेस कर सकता है 4 कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शन किसी कंट्री के ऊपर। पहला, वो उस देश से अपना जो भी है कई सारी चीजों पर काम कर सकता है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फॉरेन असिस्टेंस पर, यानी कि बाहर से पैसा मिलना बंद हो जाए, डिफेंस एक्सपोर्ट या फिर सेल करना बंद कर दे, कंट्रोल किया जाए एक्सपोर्ट ऑफ द ड्यूअल यूज आइटम, ड्यूअल यूज सिविल और मिलिट्री पर्पज के लिए जो यूज किया था, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं आज के दिन में अगर यूरेनियम खरीद कर लेकर आते हैं तो हम उससे ईंधन बनाने का बेसिकली यूज कर सकते हैं, उससे हम लोग अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए भी और उसको हम लोग बम बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी कई सारे मिसलेनियस फाइनेंशियल उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी कि और भी कई सारे प्रतिबंध उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये पावर होती है बेसिकली एक कंट्री के हाथ में, ठीक है। सैंक्शन अगर यहां पर प्लेस कर दिए जाते हैं तो इसके चलते यहां पर एक तरीके से कंट्री को डेजिग्नेटेड कर दिया जाता है, तो और कई सारे इश्यूज यहां पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगर यूएसए जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी जिसके चलते यहां पर उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। आप लोग बोलो कि क्या आज तक कोई ऐसी कंडीशन खराब की गई इनके द्वारा, कोई ऐसा सैंक्शन लगाया गया, तो उदाहरण तो दो तभी तो हम लोग समझेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, देखिए आप लोग यहां पर कई सारे ऐसे देश है जिनके ऊपर इनके द्वारा ये हरकतें की गई है, लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिनके ऊपर इनके द्वारा लगाया गया है। यहां पर बात करें, ये सीरिया 1979 में, ईरान 1984 में, नॉर्थ कोरिया ये बेसिकली 2017 में, क्यूबा के ऊपर लगाया गया था, फिर यहां पर इसको निकाल लिया गया, रीडेजिग्नेटेड किया गया था इसको 2021 में और फिर से यहां पर हट गया। तो यहां पर जो इनकी जो कांग्रेस जो रिसर्च सर्विस है यहां पर वो बेसिकली यहां पर तैयार करती है, कोई भी मेंबर जो है एक तरीके जो प्रिपेयर करती है फॉर ए मेंबर्स और कमेटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, जिसके द्वारा क्लैरिफाई किया जाता है कि जो टेररिज्म डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो वन पार्ट है बायलेटरल रिलेशनशिप का बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी कंट्री के। तो उसको ऐसे दिखाते हैं अगर हम लोगों ने किसी को टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके दोस्त भी जो है वो वहां पर व्यापार न करें, उस कंट्री को पूरा धरती में धूल चटाने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि ये गलत है क्योंकि कोई भी ऐसा अगर डेजिग्नेशन दिया जाए ये यूएन के थ्रू आना चाहिए या फिर वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आना चाहिए या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आना चाहिए, इनके इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू आना चाहिए, पर लेकिन यूएसए क्या करता है, वो अपने थ्रू ये काम करता है। तो कंट्री को यहां पर एक तरीके से लिस्ट में रख दिया जाता है और उसको यहां पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल लॉ और कानून के हिसाब से अगर बात करें तो कई सारी चीजें यहां पर चेंज होती हैं अगर बात की जाए,
अगर किसी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनता है, ठीक है। अक्टूबर 2020 में यूएसए के द्वारा यहां पर बेसिकली सुडान, ठीक है, सुडान जो था यहां पर अक्टूबर 2020 में यूएसए के द्वारा टेक किया गया सुडान को फर्स्ट डेजिग्नेटेड अंडर द प्रेसिडेंशियल जो बिल क्लिंटन में 1983 में, तो यहां पर स्पोर्ट्स स्पेट की कैटेगरी में डाला गया था, तो इसको हटाया भी गया, ठीक है। ईरान को रिमूव कर दिया गया यहां पर 1982 में, ठीक है, इसी के साथ में रीलिस्ट किया गया 90s में और फिर 2004 में हटा दिया, यानी ये मजे लेते रहते हैं यहां पर, इसको हटाया गया यहां पर और इसी के साथ में यहां पर साउथ यमन जो कि यहां पर 1990s में हटाया गया जब उसको नॉर्थ यमन के साथ में मर्ज किया गया, दोनों अलग अलग थे, और लीबिया को हटाया गया 2006 में, ठीक है। तो क्यूबा जो था फर्स्ट जो डेजिग्नेशन किया गया उसका ये था बेसिकली 1982 में, 2014 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस किया यहां पर रीस्टेब्लिश रिलेशन करने के लिए विद क्यूबा, ठीक है। मई 2015 में यहां पर जो जॉन कैरी थे, ठीक है, उसको डीलिस्ट कर दिया क्यूबा को, यानी कि ऐसे ऐसे यहां पर कई बार कई सारी कंट्री को उसके अंदर लाया भी गया और हटाया भी गया, ऐसे पंडे आप लोगों को यहां पर इनके देखने को मिलेंगे। तो ये अपनी दादागिरी चलाते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ज्यादा अंदर घुसना नहीं है पर फिर भी मैंने यहां पर डाल दिए हैं ये सेक्शन से इसके, ये इतना अंदर तो नहीं रटने हैं पर लेकिन हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इनको यूज कर यहां पर ये काम करते हैं, ठीक है। इंपैक्ट क्या होता है यहां पर, इंपैक्ट होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की कमर तोड़ने का काम करते हैं, उसको बिल्कुल धरती में डाल देना लाकर, ठीक है, कंट्री की सारे एसेट्स जो है फ्रीज कर लेते हैं इंक्लूडिंग उसके रियल इस्टेट में जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा हुआ है उसको भी फ्रीज कर डालते हैं। यूएसए जो है वो बेसिकली यहां पर क्या करते हैं, वो ड्यूअल यूज जो मैंने अभी बताया उन चीजों को एक तरीके से रोकता है, और वर्ल्ड बैंक और यहां पर आईएमएफ में भी यहां पर उसको पैसा नहीं जाने देता है, वो भी यहां पर रोक देता है। तो अगर पुतिन को इस कैटेगरी में डाल दिया तो पुतिन की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब यहां पर हो जाएगी, ऐसा यहां पर इनके द्वारा माना जा रहा है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें देखने को यहां पर मिल सकती हैं अगर यहां पर पुतिन को इस कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। यूएन की डेफिनेशन के बारे में अगर आप लोग बात करें और ओरिजिन क्या है यहां पर ये वर्ड जो टेररिज्म का, इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए स्लाइड में डाली गई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। एज पर द डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशन है वो क्रिमिनल एक्ट जो कि यहां पर कैलकुलेट किया था प्रोवोक करने के लिए, एक तरीके से जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के लिए एक तरीके से मान लीजिए जैसे क्या करा है अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने क्या किया काफी लार्ज स्केल पर यमन के अंदर में बॉम्बार्डमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें कई बार क्या होती है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसे ईरान क्या करता है होते ही कम्युनिटी को सपोर्ट करता है वहां पर बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ में लड़ने के लिए, तो ये ऐसी हरकतें होती हैं। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट कर देना, पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट कर देना, ठीक है, जो कि अनजस्टिफाइबल हो, जो कि ऐसी चीजें जो कि सही नहीं हो, ठीक है। पॉलिटिकल इसी के साथ में फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल रेशियल या एथनिक या रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर नेचर में हो सकता है कि सामने वाले को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये जो वर्ड टेररिज्म है ये फ्रांस का वर्ड है जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली टेररिज्म है, ठीक है। तो वहां से एक वर्ड निकल कर आया आई फ्रेटन, इनके मैं डरता हूं, तो ये टेरर जो बेसिकली वर्ड था जिसको यहां पर टेरो मीनिंग था इसका आई फ्रेटन, वहां से इसको निकाल कर लेकर आया गया, वो भी किस टाइम पे जब फ्रांस के अंदर में फ्रांस रिवोल्यूशन चल रहा था, तो उस टाइम पर यहां पर रेन ऑफ टेरर बोला गया, यानी कि आतंकवाद का शासनकाल। तो फ्रांस रिवोल्यूशन कब से कब तक चला इसके बारे में कुछ बताना आप लोग। आयरिश जो यहां पर रिपब्लिक ब्रदरहुड था उसके द्वारा यहां पर 1858 से लेकर 1824 तक का फर्स्ट इसको बेसिकली मॉडर्न टेररिज्म टेक्निक के थ्रू यहां पर इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या यूएन इसके बारे में कोई बातें करता है? जी हाँ, यूएन इसके ऊपर कई सारी बातें कर चुका है। रिजोल्यूशन 1267 1999 में आया, 189 2001 में आया, 2253 2015 में आया। तो ये यूनानिमसली बोलता है कि 15th अक्टूबर 1999, ठीक है, तो यहां पर इसके द्वारा अडेप्ट किया गया। तो यूएन जो है यहां पर वो एक तरीके से कई सारे ऐसे एरिया को यहां पर डिजिग्नेशन दे चुका है, जैसे अलकायदा होगा, तालिबान हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहां पर एक तरीके से यूएन के अंदर में लिमिटेड है आप लोगों को चीजें जो कि यहां पर टेररिस्ट के ऊपर लगाई जाती है, उनके ट्रेवल पर बैन कर दिया था, कई सारी चीजें लिमिट कर दी जाती है। वैसे अगर बात की तो ट्रेवल पर बैन लगा दिया, उनके एसेट को फ्रीज कर दिया, आम उन तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो, जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अगर बात करें यहां पर अभी आप लोगों से बात की मैंने जो कई सारी कंट्री को यूएसए ने जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में डाला, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान, कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। तो ए बी सी एफ डी, तो यहां पर आप लोगों को अभी बताया मैंने डिटेल में, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, अफगानिस्तान को नहीं डाला है, तालिबान को डाला था, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन कोई ऐसा बनता है तो, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई बार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बन सकता है।
एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेगा। और ये हमारी देश की नहीं है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि दूसरी देश की पर्सनैलिटी के बारे में और वो भी ऐसी एरिया में काम करने वाली, तो क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर बिल्किस ऐदी के बारे में, ठीक है। तो बिल्किस ऐदी जी जो थी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा काफी काम किए गए हैं अलग अलग दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए। तो बिल्किस बानो ऐदी इनका पूरा नाम था। 1947 में 2000 से 22 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा और ये गुजरात में पैदा हुई थी। जो बंतव एरिया है गुजरात में, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1947 में। और इनको द मदर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो ऐदी फाउंडेशन है ये यहां पर सर्व की जाती है। और टोटल इनके जीवन काल में और इनके हस्बैंड के द्वारा मिलकर 16,000 के करीब जो अनवांटेड बेबीज होते हैं उनकी जिंदगी को इनके द्वारा सुधारा गया है। 16,000, समझ रहे हैं आप लोग? लोगों को एक एक दो दो बच्चे पालने भारी हो जाते हैं। इन्होंने दुनिया में जहां जहां पे अनवांटेड चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, 16,000 के करीब ऐसे बच्चे थे जिनको इनके द्वारा बेसिकली शरण दी गई और उनको पाला पोसा गया। इनके जो बेसिकली फादर नहीं, सॉरी, इनके हस्बैंड साहब जो थे उनके द्वारा 1986 में रमन मैक्सेसे अवार्ड भी मिला उनको, जो कि काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है यहाँ पर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। और हस्बैंड और वाइफ ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर बेसिकली काफी अच्छा काम किया। और इनको जो है 2015 में मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया सोशल जस्टिस के लिए। तो एक सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, एक पब्लिक के लिए काम कर रहा है, दोनों के द्वारा मिलकर पाकिस्तान में काफी बड़ा अपना बेसिकली एक तरीके से अपना योगदान दिया गया। इसी के साथ में हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विस इन कराची आप लोगों यहां पर देखने को मिलती है, इन्हीं की वजह से यहां पर ये चीजें निकल कर आती है। तो मोस्ट एक्टिव फिलेंथ्रोपिस्ट जो है यहां पर इन पाकिस्तान आज के में अगर बात करें तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलती थी। और इनकी फाउंडेशन का नाम था ऐदी फाउंडेशन, जो कि आप लोग याद रखेगा। छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले यहां पर, ई धार पोर्टल जो है वो किससे लीड है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर नया पढ़ो और पूछ ले यहां पर ई धार पोर्टल के बारे में बताओ क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग क्या बोलोगे? कुछ सुना है इसके बारे में? नहीं सुना है, चलिए सुनाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी बीमा कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहां पर एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से जान जाने वाले लोगों की संख्या जो है हमारे देश में काफी ज्यादा है। और ये जो ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें मैक्सिमम जो लोगों की संख्या जाती है वो कमाने वाला इंसान होता है, जो अपने घर से किसी न किसी पर्पज के लिए बाहर निकला होता है। तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि किसके अंडर में है, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इनके द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया जिसका नाम है यहां पर ई धार। धार का मतलब है डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। तो ई फॉर्म में डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट यहां पर निकल कर आएगी, जिसके चलते यहां पर डिजिटलाइज डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका इजी एक्सेस रहेगा सबको इस पोर्टल के थ्रू, इनके वेबसाइट के थ्रू लोग काम कर पाएंगे। और इसके तहत यहां पर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा, यानी कि लोगों को पता रहेगा कहां कहां पर कितने लोगों की डेथ हो रही है। अगर कोई यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उसको पता रहेगा, उनके लिए इंश्योरेंस देना है तो उसके लिए पता रहेगा। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश यहां पर की गई है इस पोर्टल के थ्रू, रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बना जा रहे हैं जिसके बेस पर काम कर पाएंगे। अगर बात करें यहां पर IRAD, ये बेसिकली जिसको बोला गया है रोड एक्सीडेंट डेटा, ये बेसिकली एप्लीकेशन रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा इसका मोर देन 90% ऑफ द डेटाबेस, जो कि पब्लिश किया जाता है डायरेक्टली ई धार पोर्टल के थ्रू। तो इसके थ्रू यहां पर पब्लिश किया जाएगा। इसी के साथ में जो भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, एक्सीडेंट हो गया तो कौन आएगा? सबसे पहले पुलिस आएगी, रोड अथॉरिटी, हॉस्पिटल, ये सारे आएंगे। तो सबको यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है कि आर रिक्वायर्ड टू एंटर वेरी मिनिमल इंफॉर्मेशन। ई धार पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन डालनी है और इंफॉर्मेशन डालते ही उस इंसान को उसका जो है इंश्योरेंस कवर जो है वो मिल जाएगा। ई धार जो है यहां पर ये एक एक्सटेंशन है बेसिकली ई वर्जन ऑफ IRAD का, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट वाला जो बना है इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। अगर हमारे देश में 100 लोगों का अगर यहां पर बेसिकली अगर 100 लोगों का एक्सीडेंट होता है तो लगभग 37 की डेथ हो जाती है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है हमारे देश के अंदर में, यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर बात करें एक्सीडेंट के बाद में डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या रहता है? आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। हॉस्पिटल में गए तो वहां पर सारी फैसिलिटीज नहीं रहती हैं, कभी डॉक्टर तो कभी दवाई, कभी दूसरे इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, इंसान की डेथ हो जाती है। हमसे कहीं ज्यादा एक्सीडेंट कई बार आप लोगों को दूसरी कंट्री में देखने को मिलेंगे, पर लेकिन उनके लोग ज्यादा नहीं मरते हैं और हमारे ज्यादा मर जाते हैं। रीजन क्या है? फैसिलिटीज के बारे में रीजन है यहां पर, लोगों की अवेयरनेस के बारे में रीजन है यहां पर, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसी को सुधारने की बात यहां पर की जा रही है कि आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सुधारा जा सके,
ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नंबर ऑफ डेथ जो है हालांकि घट रही है, वरना अगर 5 लाख एक्सीडेंट होते थे तो लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती थी, ऐसा डेटा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। रोड एक्सीडेंट में एज ग्रुप कौन है जो सबसे ज्यादा डेथ होती है? 18 साल से जो लगभग नीचे के लोग हैं, वो जो कि उनके गाड़ी चलाना उनको अलाउ भी नहीं है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि लाइसेंस 18 साल के बाद में आप लोगों का बनता है। 10,000 के करीब यहां पर 2016 का फिगर है। 18 से 35 के बीच के सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, और ये वो ग्रुप है जब सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें 35 से 40 के बीच में, 45 के, तो यहां पर दूसरे नंबर पर, यानी कि ये एज ग्रुप सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ में 45 से लेकर 60 तक का 22,000 के करीब है, 60 से ऊपर के 8,000 के करीब, और एज जिसके बारे में कोई पता नहीं रहता है, ऐसे भी कई सारे लोगों की डेथ होती है जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और रीजन क्या है यहां पर? बहुत सारे रीजन देखने को मिलेंगे, और सबसे खतरनाक जो रीजन है वो है ओवर स्पीडिंग, यानी कि ओवर स्पीडिंग की वजह से यहां पर लोगों की डेथ होती है, तो सबसे ज्यादा इसी की वजह से जान जाती है। दूसरे नंबर पर हेलमेट न लगाना, ठीक है। तीसरे नंबर पर सीट बेल्ट न लगाना, ठीक है। ड्राइविंग इन रोड साइड, मतलब गलत तरीके से गलत साइड में चलाना, और पीने के बाद में चलाना, मोबाइल यूज करना, तो ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आ जाए तो ये याद रखेगा, और ये वो चीजें हैं, याद रखने से काम नहीं चलेगा इनको। लोगों को बताइएगा भी कि हाँ ऐसी हरकतें करोगे तो भाई साहब राम नाम सत्य हो जाएगा एक मिनट के अंदर में, तो इन चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये चीजें लोगों तक भी पहुंचानी है आप लोगों, ताकि लोग इनके बारे में समझ सकें, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं जिसकी वजह से यहां पर बातें निकल कर आती हैं। सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो टू व्हीलर पर, दूसरे नंबर पर होते हैं कार या फिर टैक्सीज के, फिर ट्रक वगैरह के देखने को मिलेंगे, ये फिर अलग अलग टेम्पो वगैरह, और इनके सबके बारे में यहां पर बता रखा है, ठीक है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहें, एक्सीडेंट जो है यहां पर कहां कहां पर कितने ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बता रखिए अलग अलग एरिया के हिसाब से, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं डेटा को, ताकि आप लोग समझ सके। अगर बात करें यहां पर, एक और बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। रूरल इंडिया नॉट लेस देन डेंजर, यानी कि गांव में भी एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि गांव वाले एरिया में नहीं होते हैं, बल्कि ज्यादा बताए गए यहां पर अगर डेटा के हिसाब से आप लोग बात करें, ठीक है, तो कम नहीं है यहां पर अगर बात की जाए एक तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में रिलेटिव इनिशिएटिव क्या है? एक ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है रोड सेफ्टी के ऊपर, 2015 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से निकल कर आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में 3.6 जो है, ये बेसिकली इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। ग्लोबल डेथ और इंजरीज के बारे में, रोड ट्रैफिक और एक्सीडेंट 2030, ठीक है। तो यहां पर 2030 तक का इनका टारगेट है कि हाफ कर दिया जाए जो ग्लोबल डेथ है, जो कि फिलहाल के टाइम पर होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उनको आधा कर दिया जाए। ग्लोबल रोड एक्सीडेंट सेफ्टी वीक के बारे में बात करें, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है ये एवरी 2 ईयर, ताकि हाईलाइट किया जा सके इसके बारे में कैसी कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर कई सारे रजिस्टर करते हैं जो चैरिटी जो यहां पर डेडिकेटेड टू सर्व द लाइफ, यानी कोई यहां पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहता है तो वो भी यहां पर कर सकता है, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है, तो कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि डाउट तो बाद में रखिएगा, पहले अपनी भी जिंदगी का ध्यान रखना है और लोगों को भी सलाह देनी है, ठीक है। कोई मानेगा तो सही है, नहीं मानेगा तो अपना कुछ जाता नहीं है, बेसिकली जिसका जाएगा उसको पता चलेगा, पर हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, तो इतना काम कम से कम हम लोग कर सकते हैं। अब लोगों के हाथ पकड़ के तो चलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, तो अपनी तरफ से इतना काम आप लोग जरूर करिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है। ये जो है वैसे तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है सुनने में, पर लेकिन कई सारे लोगों को ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखो तो ये लगेगा यार कितने वेले आदमी है और कुछ काम नहीं इनका। मतलब क्या है, एक तितली है जो कि आप लोग यहां पर देख रही है, इस तितली का जो नाम है यह है पाम किंग, ठीक है। पाम यानी कि ताड़ का, जो ताड़ का ना एक तरीके ताड़ का जो पेड़ होता है उसके ऊपर पाई जाती है नॉर्मली, ये पहले जो थी केरला में पाई जाती थी नॉर्मली, ठीक है, पर लेकिन अभी यह तमिलनाडु में देखने को मिली। तो मतलब बेसिकली तितलियों के पीछे लगे हुए बेचारी को ये नहीं देख रहे कि उनको बैठने तो एंजॉय करने दो, ये बेचारी उड़ती उड़ती केरला से तमिलनाडु में पहुंच गई तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो ये तुमने न्यूज बना दी। देखो ऐसा नहीं होता है, बेसिकली होता क्या है, अगर कोई एक जगह पर रहने वाला प्राणी, एक कंफर्ट जोन में रहने वाला प्राणी अगर उस एरिया को छोड़कर कहीं और जा रहा है, तो नॉर्मली इन्वायरमेंट को चेक किया जाता है कि क्या इन्वायरमेंट सही है, कि यहां पर इनको वहां से फोर्सफुली जाना पड़ा है या मजे मस्ती में ये हनीमून बनाने के लिए घूम गए वहां पर, तो ये चीजें चेक करने वाली होती है। यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको प्रेशर फेस करना पड़ा है उसकी वजह से यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहां पर निकल कर आते हैं। तो अभी ये जो है एक तरीके की यूनिक जो वुडी स्पेसिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका कलर जो है देखिए लकड़ियां होती है जिस तरीके की, उस तरीके की है। एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ROAR, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर, इसका नाम लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर रोपालोरा एंड ये है ओडनट एसोसिएशन ऑफ, ये है यहाँ पर रामपलायम, ठीक है। तो इसका नाम है बेसिकली, अगर आप लोग साउथ इंडिया से आते तो देख लेना, वरना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। इसके मेंबर थे यहाँ पर एक भाई साहब, एक या कई सारे मेंबर थे, इन्होंने यहां पर देखा किस तरीके से जो तितली है यहां पर ये घूम रही है,
तो ये बिल्कुल फ्री थे, तो इन्होंने उसके पीछे करना स्टार्ट किया। मतलब जो भी है पीछा तितली का करना स्टार्ट नहीं किया, तितली इन्होंने देख ली हाँ कैसे आ गई। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोग समझ सकते हो, पहली बार तमिलनाडु में यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, और यूपीएससी बड़ी ऐसे डिफरेंट से क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। जैसे यहाँ पर पाम किंग के बारे में पूछ लेंगे, बताओ ये तितली सबसे पहले कहाँ पर स्पोर्ट की गई थी और किसके द्वारा स्पोर्ट की गई थी और कहाँ पर ये पाई जाती है। तो नॉर्मली इंडिया के अंदर पाई जाती है, म्यांमार के अंदर पाई जाती है, इंडो चाइना पेनिनसुलर मलेशिया और थाईलैंड के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये किस परिवार से या फिर सब परिवार से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर नेम फैलेडी, ठीक है, ये यहाँ पर इससे बिलोंग करती है। और पाम कोकोनट इसी के साथ में कैलमस वेराइटी के जो प्लांट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये पाई गई थी साउथ इंडिया के अंदर में, और पहली बार जो यहाँ पर इसको देखा गया था ये फर्गुसन साहब थे, ठीक है। तो HS जो फर्गुसन है ये 1891 में इनके द्वारा इसको देखा गया था, और फिर उसके बाद में काफी टाइम बाद 2007 में इसको रिडिस्कवर किया गया। इसके बारे में बता रखा है इसकी पतली कमर होती है, लंबे पैर होते हैं, काले बाल होते हैं, मतलब जो भी इसकी जो इसकी बेसिकली आकृति है उसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो रेटिना ये थोड़ा सा देख लेना कि ब्राउनिश कलर के यहाँ पर इसके भी होते हैं, डार्क भी चीजें इसके ऊपर बैंड वगैरह वो सब चीजें रखी है, ठीक है। तो कलर के बारे में बता रखे ताकि आप लोग भी पहचान सको और इन तितलियों का पीछा कर सको, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज, शॉर्ट न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। वैसे मजा ले रहे हो वो अलग बात है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर यूएसए ने बदतमीजी काटी है इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में ही ओनली बदतमीजी नहीं काटी है, इन्होंने चाइना के बारे में बदतमीजी काटी है। चाइना में ये बताया कि चाइना में जो जिंगजियान वाला जो उगर कम्युनिटी वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वहां पर बेसिकली काफी ज्यादा अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। ये वाला रीजन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, जिंगजियान वाला रीजन जो चाइना का, और यहाँ पर उगर कम्युनिटी पाई जाती है जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर कई बार दोगलापन के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर म्यांमार में कोई अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये बातें करते हैं कि हाँ यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो कौन सी कम्युनिटी है, वो है रोहिंग्या कम्युनिटी। पर लेकिन अगर उगर कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार की बातें करें जिंगजियान वाले रीजन में, वहां पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इनकी जबान खींच जाती है, अपने रीजन में क्या हो रहा है वहां पर ये लोगों को उल्टी सीधे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर उनको पकड़ कर ले जाते हैं, कई सारे लोग तो गायब है फैमिली से, आज तक रिटर्न नहीं आए, इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। उस पर पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान को भी सारी दिक्कतें इंडिया के अंदर ही नजर आती हैं, आप लोग देखते हैं कैसी हरकतें यहां पर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यहां पर आज की डेट में ये जो दोगला चेहरा देखने को मिलता है वो यहां पर निकल आएगा। पर लेकिन यूएसए थोड़ी ना छोड़ेगा, यूएसए ने पकड़ लिया चाइना को भी, बताओ भाई चाइना क्या कर रहे हो, बड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, जिन्हें साइड कर रहे हो यार तुम तो जिंगजियांग वाले रीजन में, ठीक है, मुस्लिम की जो घर कम्युनिटी है तुम उसको मार रहे हो, माइनॉरिटी में है तुम उसको जिंदा नहीं रहने दे रहे हो। तो यहाँ पर रिपोर्ट में ये सारी चीजें भी पब्लिश कर डाली। यूएसए मजा लेने से नहीं छूटता है, जब उसको मौका मिलता है वो मजा ले डालता है चाइना का। आप लोग बोलोगे कि चाइना को दिक्कत क्या है इनसे, तो दिक्कत एक हो तो बताऊं, चाइना को हजारों दिक्कत है इनसे। पहले तो जहां पर ये रीजन में रहते हैं ये काफी रिसोर्सफुल रीजन है, काफी सारे रिसोर्स पाए जाते हैं। जो पॉपुलेशन यहाँ पर है 50% इन्हीं की पॉपुलेशन है, यानी कि मेजोरिटी में है यहाँ पर, तो इसलिए इनको हटाने की बात की जाती है। यानी कि 12 मिलियन यहाँ पर लोग हैं लगभग, अगर बात करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 मिलियन में जो होते हैं वो 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 12 मिलियन हो गया 120 लाख, तो 120 लाख के करीब यहाँ पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को उघर ये देखने को मिलेगी, जो कि इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस रीजन में पाई जाती है, जिसको XUAR आप लोग बोलते हैं। उघर जो है यहाँ पर ये एक तुर्किस लैंग्वेज बोलते हैं नॉर्मली, इनका जो कनेक्शन है वो तुर्किस यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में माना जाता है, और ये जो पॉपुलेशन है ये हाफ पॉपुलेशन यहाँ पर इन्हीं की देखने को मिलेगी। पर लेकिन चाइना के द्वारा यहाँ पर अभी बदतमीजी की गई, बहुत सारे जो हान चाइनीज हैं, ठीक है, जो चाइना की मेजोरिटी एथनिक कम्युनिटी है, उनको इस रीजन में लाकर बसा दिया। जैसे चाइना हरकतें करते हैं हमारे बॉर्डर रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, और या फिर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में, उसके आसपास वाले रीजन में अपने लोगों को लाकर बसाता है, और फिर बोलता है अरे यहाँ तो हमारे लोग रहते हैं, हमको तो पता ही नहीं था, अरे ये तो हमारा एरिया हो गया। हाँ क्यों नहीं, रात को उठे सुबह को तुम्हारा एरिया हो गया। ऐसी हरकतें इनके द्वारा उसके भूटान के साथ भी की गई है। मतलब बदतमीजी की जितनी पराकाष्ठा हो सकती है सारी पार करते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 20th सेंचुरी में अगर बात करें यहाँ पर, ये अपने आप को डिक्लेयर करने की भी बात करे थे इंडिपेंडेंट, तो उससे भी चाइना को दिक्कत है। जब यहाँ पर चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी आई तो उन्होंने सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और बेचारों की जो आशाएं थी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की, वो सारी की सारी बेचारों की वहीं पर ही मरी की मरी रह गई। तो यहाँ पर इसके बारे में भी इनकी रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया कि यहाँ पर ये काफी बदतमीजी काट रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोलता इसके बारे में, और रशिया तो भाई साहब बोलता ही नहीं, वो तो चाइना के काफी ज्यादा एक तरीके से रिक्वायरमेंट है उसको चाइना की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर कवर करे, कैसा लगा ये आज का डिस्कशन जरूर बताएगा, और 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इस डिस्कशन को देना चाहेंगे ये भी आप लोग जरूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में इसको अगर मैं थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकूं, ताकि अगर कहीं पर कोई कमी खामियां लग रही है तो उसके बारे में आप लोग सजेशन देना है, ठीक है।
तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है सारी पीडीएफ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी जिंदगी में पढ़ाई को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर चल सको। और बाकी मेरे साथ में सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर यहाँ पर है तो। पर्सनली इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही ज्यादातर रहती है, जो मुझे चीजें पसंद है वो शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो स्टडी लवर वीर के नाम से है वहां पर पढ़ाई की चीजें शेयर कर देता हूँ वैसे मैं, तो आप लोग चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं, पर लेकिन नहीं भी होगा तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी आप लोगों की। हाँ, पर्सनली मेरे साथ में कनेक्ट रहने के लिए आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।